संगठन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होता है कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या क्या है, ये प्रश्न होता है हर किसी के, उसमें सबसे पहले कि जनसंख्या है क्या। तो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोग या निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोग या वहां की जनसंख्या की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब है वितरण। वितरण से क्या हो रहा है? वितरण से मतलब होता है लोग कहां कितने, यानी देश में कहां कितने कैसे अनुपात में बसे हुए हैं। यानी कहीं लोग सघन बसे हैं, कहीं विरल बसे हुए हैं, कहीं तो बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, कहीं अत्यधिक पाई जाती है। ऐसे ही उत्तरी मैदानी भागों में जैसे कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन बंगाल, इन राज्यों में जनसंख्या कैसे पाई जाती है? सघन पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? इसमें सघन जनसंख्या ऐसे राज्यों में पाई जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी है, वहां पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। अब किसी भी राष्ट्र के विकास में, किसी भी राष्ट्र के निर्माण और विकास में वहां के लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोग वहां पर, उसके लोग, वहां के लोग उस पर, उसमें उसके आर्थिक विकास में और उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जनसंख्या वृद्धि सहायक होती है। परंतु अत्यधिक जनसंख्या या तीव्र गति से जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह जनसंख्या वहां के आर्थिक विकास में बाधक होती है और उस देश में जब जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाए, जनसंख्या विशाल रूप ले ले, तो उस देश में क्या होता है? नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, नई समस्याएं खड़ी हो जाती है और जो पुरानी समस्याएं हैं वहां पर वो एक व्यापक रूप धारण कर लेती है, व्यापक रूप ले लेती है। अब है भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े। जनसंख्या संबंधी आंकड़े की जानकारी नियमित रूप से 10 वर्ष बाद जनसंख्या के गणना से प्राप्त होती है। अब है भारत में जनसंख्या की गणना कब हुई? नंबर 2, भारत में जनसंख्या की गणना। तो भारत में पहली बार जो गणना हुई कब हुई? 1872। पहली बार जो भारत में जनगणना हुई वो 1872 में हुई। लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई, कुछ विसंगतियां पाई गई, इसलिए पुनः जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। 1881 के बाद लगातार 10 वर्ष बाद, कब? लगातार 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। गत जनगणना हमारे देश में, गत जनगणना 2000 कब हुई? 2011 में गत जनगणना 2011 में हुई और अगली जनगणना होगी 2000
होगी 2021 में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब तक भारत में 15 और स्वतंत्र भारत में 7 जनगणनाएं हो चुकी है। ये हो गया हमारी जनगणना संबंधी। अब है नंबर 3, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। जनसंख्या और आर्थिक विकास, प्रायः ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश की विशाल जनसंख्या या बहुत अधिक जनसंख्या तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या उस देश के आर्थिक विकास में रुकावट होती है, बाधक होती है और वहाँ की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है या विकास है उसको प्रभावित करती है। इसका प्रमुख कारण है कि जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है। अब जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और उत्पादन कम होगा तो हमारे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। आप अपने घर से ही मान लीजिए, आपके घर में जो सदस्यों की संख्या बढ़ रही है और संसाधन उतने नहीं है या उत्पादन उतना नहीं हो रहा है तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, आपका जो जीवन स्तर है वो निम्न होता चला जाएगा। इसीलिए ये बढ़ती हुई जनसंख्या देश के या समाज के आर्थिक विकास में बाधक है। उस गति से जब उत्पादन नहीं हो रहा है, अच्छा इसके परिणाम स्वरूप प्रतिव्यक्ति औसत आय कम होती है और आय घट जाती है, जिससे हम लोगों का जो जीवन स्तर है लोगों का वो कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। लोग बचत नहीं कर पाते हैं। लोग जब हमारे पास अधिक उत्पादन नहीं होगा तो हम वहां से हमारे पास पैसा नहीं आएगा, हमारी आमदनी कम हो जाएगी। जब आमदनी कम होगी तो हम जो पैसा आएगा वो खर्च होता चला जाएगा, तो हमारी बचत नहीं हो पाएगी। और इससे हम जो पूंजी है उसका निवेश नहीं कर पाएंगे। जब पूंजी बचेगी तभी तो निवेश होगा, अब जब पूंजी नहीं होगी तो हम निवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या हुआ, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है समाज में या देश में, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है और बेरोजगारी और निर्धनता से समाज में अनेक बुराइयां और कुरीतियां उत्पन्न हुई है।